क्योंकि 1904 में ये पूरी जलकर राख हो गई थी और रातों रात 11,000 बंदों को इवैक्यूएट किया गया था। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया, आई होप आप भी अच्छे होंगे। नया दिन, नई शुरुआत और नया शहर। इस शहर का नाम है ओलेसुन और सुबह मैंने गाड़ी यहीं पर पार्क की थी। ब्रश वगैरह जब करने आया था मैं, तो ये सारा जो एरिया है ये खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल सूखा। हाई टाइड नहीं थी उस टाइम, लो टाइड थी, और अब थोड़ी देर बाद यहाँ हाई टाइड होगी और सब भर चुका है। बढ़िया एक स्विमिंग पूल बन चुका है, रॉक के उस तरफ आप डाइविंग कर सकते हैं, उस तरफ अगर और गुदा रखते हैं तो वहाँ से भी कूद सकते हैं। मैं फटाफट से नहाऊंगा क्योंकि एक दिन हो गया नहाए हुए, तो नहीं दो दिन हो गया, भूल गया मैं, तो आज नहाने का मौका मिला, नहाएंगे आज फटाफट। ये आखिरी शहर होने वाला है, इसके बाद हम जाएंगे अपने घर बार्गन में। और ये बहुत ही सुंदर शहर आपको दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल भी नॉर्वे के शहरों जैसा नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। जैसे और यूरोपियन सिटीज़ होती हैं, बिल्कुल आपको वैसा लगेगा। दिखाऊंगा इसके पीछे की हिस्ट्री बताऊंगा, जुड़े रहिए वीडियो में। सो नहाना वाना हो गया, बिल्कुल सूरज गायब हो गया, ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। ये खड़ा हूँ मैं ओलेसुन के सेंटर के अंदर और पीछे देख के आपको हल्की हल्की वेनिस की, जो इटली में जो जगह है उसकी वाइब्स आ रही होंगी, कि जो कैनाल चलती है, दोनों तरफ घर बने हुए हैं या रेस्टोरेंट बने हुए हैं। सो एक्चुअल में ये जो सिटी है ये सबसे यंग लगा लो आप, 1904 के बाद बनी है ये, क्योंकि 1904 में ये पूरी जलकर राख हो गई थी, सब कुछ लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन उसके बाद यूरोपियन आर्किटेक्ट्स ने इसको डिज़ाइन किया और बिल्कुल जैसे यूरोप का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है बिल्कुल वैसे ही इसको बनाया गया है। सारी बिल्डिंग्स अब आप देख सकते हैं सभी कॉन्क्रीट की, ईंटों की बनी हुई है, कोई भी लकड़ी का आइटम नहीं है यहाँ पर अभी। और इस तरीके की ऊँची ऊँची बड़ी बड़ी मॉडर्न बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मेरे को तो देख के लंदन की याद आ रही है इसको, ये जो जिस तरीके की बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पर आपको कुछ भी 1904 से पहले का नहीं मिलेगा, मैंने बताया था आग लगी थी, ये देखो बिल्डिंग 1906 की है। 24 जनवरी 1904 में आग लगी थी 1904 में, और रातों रात 11,000 बंदों को इवैक्यूएट किया गया था इस सिटी से। कोई भी कैजुअलिटी नहीं थी, सिर्फ एक बंदा मरा था, उसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं हुआ था, घर जल गए थे सब लोगों के। अब उसका पता नहीं लगे सरकार ने बाद में हेल्प किया नहीं की। सबसे प्यारे शहरों में से माना जाता है नॉर्वे के ये ओलेसुन, और एक्चुअल में है भी प्यारा। कलर जो यूज़ कर रखे बिल्डिंग्स पे, और जिस तरीके से एक गली ऊपर जा रही है, कुछ वहाँ पर घर बने हुए हैं, कुछ नीचे बने हुए हैं, लगभग सभी कलर्स मैंने इस सिटी में देख लिए हैं, ब्लू, येलो, रेड, पिंक, ग्रीन, लगभग सारे। बहुत प्यारी वाइब आ रही है, पिक्चर्स आपकी यहाँ बहुत अच्छी आ सकती हैं अगर आपने खींचनी अगर आती हैं, बस आपको बैकग्राउंड की तरह यूज़ करना है। आपको एक रीज़न और बताता हूँ कि किसी और पुरानी सिटी में ये कलर्स क्यों नहीं यूज़ करके इसमें क्यों कर रखे हैं, क्योंकि लगभग आधी सिटीज़ जो हैं, जो उनके टाउन्स हैं, वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट हैं और वो कई सालों से चली आ रही हैं। वो आप कलर चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तो हेरिटेज साइट हो चुकी हैं, जैसी ही आपको वैसे ही मेनटेन करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, पुराने ज़माने में सिर्फ दो ही कलर नॉर्वे में चलते थे, येलो और लाल। लाल बनता था खून से, जैसे जो मूज़ वगैरह जो होते हैं उसको खा लिया पका के, और उसका खून जो है वो ऑयल में डाल के घर पेंट करने का काम कर लिया। और पीला बनता था मस्टर्ड से, तो दो ही कलर थे और वो उसी टाइम के चलते आ रहे हैं, उनको आप चेंज कर नहीं सकते। ये सिटी नई बनी है, नई थिंकिंग है, इसलिए सारे कलर यूज़ कर रखे हैं। और ऐसे रेस्टोरेंट भी बनाए हैं लोगों ने, इस तरफ बिल्डिंग में है और यहाँ से बीच बिल्ड से आप निकलेंगे, ये एक बोट सी बनाई हुई है, बांधी हुई है इस तरफ से, आराम से बैठ के आप नज़ारे ले सकते हैं पानी के और अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, उस पहाड़ की चोटी पे, 408 स्टेप्स हैं, और अभी यहाँ से मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ और फिर वहाँ से यहाँ का दिखाऊँगा, व्यू में फ़र्क देखना कितना पड़ेगा। और इन स्टेयर्स की बात कर रहा था मैं कि 408 ऐसे वहाँ एग्जैक्ट 418 हैं। लुक एट दिस नाउ, ये है पूरा मेन ओलेसुन का सेंटर, जो मेन आइलैंड है, और काफ़ी सारे आइलैंड आपको साथ में दिख रहे होंगे, उस तरफ भी दिख रहा होगा, ये छोटे छोटे भी दिख रहे हैं, इस तरफ भी दिख रहा होगा दूर,
इन पर भी लोग रहते हैं और बाकायदा ये ब्रिज या टनल से कनेक्टेड हैं। लेकिन अब नज़ारा देखो एक बार। फिलहाल जब मैं बताता हूँ जो नीचे से मैंने वीडियो बनाई थी, मैं उस वक्त वो पीले वाला जो घर दिख रहा है आपको वहाँ पर ब्रिज एक, मैं वहाँ खड़ा था और अब मैं यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से व्यू देखो आप कितना प्यारा है। ये जो घर लग रहे हैं कितने रंगीन से घर दिख रहे हैं ना, ये देखो ये पूरे से घूम के उस आइलैंड पे जाते हैं। बड़ा सा बीच में ब्रिज भी है, ये वाला ब्रिज जो है ये ऐसे जाते हो आप घूम के। इस तरीके से छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, वो वाला भी दिख रहा होगा आपको, एक ये भी दिख रहा है, इसमें भी कुछ रह रहे हैं लोग, एक ये वाला दिख रहा है और एक उस तरफ भी है आपको बीच में अगर दिख पा रहा होगा। छोटा सा ब्रिज भी इनको कनेक्ट कर रहा है दोनों आइलैंड्स को, देखो एक छोटा सा ब्रिज भी है बीच में। और इन आइलैंड्स की इंटरकनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप जब रोड पर चलेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कब कौन सा आइलैंड हॉप कर लिया, कब ब्रिज आ जाएगा, कब टनल आ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अभी इस जगह पे आने के लिए गलत रास्ता पकड़ गए थे और अंडर वाटर टनल थी पूरी, कहाँ लेके चलेगी पता भी नहीं है, किस आइलैंड पे हम आ चुके हैं उस टाइम पे। और ऐसे छोटे छोटे से बेंच भी दे रखे हैं बीच में ट्रेल के, आराम से आप बैठ सकते हो। मेरे को मज़े इसमें आते हैं कि आप बैठ के नज़ारे को देखते रहो, अपनी चाय कॉफ़ी कुछ ला सकते हो तो वो ला के पियो, इससे बेहतरीन नज़ारा हो नहीं सकता यार। ये छोटे छोटे आइलैंड होते हैं चट्टान वाले, वो लोग रहते भी हैं, इसके पूरे झुंड को आर के फैले को बोलते हैं। तो अभी नीचे उतरना मेरे को, मैं ऊपर आया था सिर्फ आप लोगों के लिए चढ़ के ताकि व्यू दिखा सकूँ ढंग का। पार्किंग उस तरफ है, ये सारा नीचे उतर के जाना है अभी। और हर जगह हर पॉइंट से हर हाइट से व्यूइंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आपके जितना बस किया चढ़ना आप उसके हिसाब से चढ़ सकते हैं। से ये वाला है, यहाँ से भी वही चीज़ दिख रही है, मैं अभी ऊपर गया था वहाँ से फिर पूरा पैनो दिख रहा था। तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बनाया हुआ है और काफ़ी सही बनाया हुआ है। हर जगह बेंचेस रखे हुए हैं कि आराम से बैठ के आप, कि बेंचेस का काम इसलिए कि यहाँ बैठ के आराम से इसको देखते रहो बस, इस व्यू को, और खो जाओ इसके अंदर यार, मतलब ना बस ख़त्म हो जाओ देख के इसी के अंदर, यहीं पर रह जाओ। पर देखो यार मैं जाने का मन नहीं कर रहा। अब आप देखो मैं शूट इतना कर रहा हूँ अगर, तो सोचो मैं इसको एक्चुअल में देख कितनी देर रहूँगा मैं। एक घंटे से लगभग यहाँ पर हूँ मैं, मन ही नहीं भर रहा जाने का। अब आराम से बैठ के मैं बियर भी पीऊँगा अभी, मैं अभी नहीं जाने वाला। 7:45 स्टार्ट किया है मैंने, देखते कितने मिनट लगते नीचे उतरने में। ₹323 ऐसे नंबर लिखे हैं सीढ़ियों पे, और बीच में से रैंप भी बना रखा है, सेम वही व्यू आएगा लेकिन थोड़ा नीचे से आएगा। जितना ऊपर जाते जाओगे व्यू और रिवॉर्डिंग होता जाएगा। टाइम हो गया 8:10, 5 मिनट में मैं नीचे आ गया हूँ, जिसमें मैं 2 मिनट के लिए फ़ोटो क्लिक करने के भी रुका था। पीछे भाई साहब जो आ रहे हैं मेरे, इनके साथ। और अभी आते थे बीच में ये भी दिखा, ऑल इन हिंदू कल्चर सेंटर, मतलब हिंदू कल्चर सेंटर। हिंदू का कुछ भी अगर शादी वादी कुछ भी करनी हो उनको अपने कल्चर का, इस बिल्डिंग में कर सकते हैं वो लोग। रेनबो देखो भाई लोग, पूरा वो दिख रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। फेरी कुछ इस तरीके की है वाली, इसमें ऊपर नहीं है डेक, नीचे की तरफ है, आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से यहाँ बैठने की दीवे, टेबल्स और शीशे देखे, इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं, आराम से बैठ के आप व्यू ले सकते हैं। और ये देखो भाई लोग, रोड के साथ साथ में रनवे चल रहा है उस तरफ, बिल्कुल बीच में सिर्फ एक फेंस है, आपको दिखा दूँ, ये रनवे है और ये रोड है, ये रनवे है, ये रोड है। यहाँ के ट्रैक्टर्स देख लो भाई लोग कैसे लग रहा है, कोई सिद्धू मूसे वाला चला रहा है, छोटे छोटे टायर लगा के। और अभी हम अपने घर बार्गिन से 350 किलोमीटर दूर हैं, लगभग 100 किलोमीटर आ चुके हैं, और आज रात को ही निपटा देंगे यार, रुकेंगे नहीं कहीं पर भी, घर जाके सोएंगे क्योंकि पक चुके हैं कार में सो सो के, टू बी ऑनेस्ट। और फिर आपको वहाँ जाके ही मिलूँगा मैं। सो आपको लगा होगा कि जब ऐसे
ब्लैकआउट होगा दोबारा तो मैं घर पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं घर पे नहीं पहुंचा। रात को काफ़ी लेट हो गए थे, 12:30-1 बज गए थे और 3.5 घंटे का रास्ता और बच गया था। तो हमने सोचा क्यों ना इस रास्ते को सुबह देखा जाए और आराम से कार में यहाँ सो जाएँ, कि रात में ट्रैवल हमने पूरी ट्रिप में किया नहीं है, क्योंकि समर में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको अंधेरे में ट्रैवल करना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो अभी हम यहाँ इस कैंपिंग प्लेस पर रुक गए थे। इस जगह का नाम है सनमूरे कम्यूने है, और पीछे आसपास पहाड़ भी हैं और इस साइड एक अच्छी सी लेक भी है, स्विमिंग कर सकते, लेकिन अभी बारिश हो रही है और ठंड है इसलिए मैं करूँगा नहीं, अभी सीधा घर निकलेंगे, फिर आपसे मिलता हूँ। फाइनली होम, 12-13-14 दिन के बाद, और टोटल ट्रिप जो बनी है वो बनी है 2586। घर पे आके पार्क कर दिया कार, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सारा सामान इस ट्रॉली में फिट कर लिया है, सब कुछ लाद दिया इसके ऊपर, एक बार में चला जाएगा ऊपर।